हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति अग्रवाल. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस वीडियो में हम डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं और सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. एक लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार इज ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3737 एंगस्ट्रम व्हाइल इट्स रियल वेवलेंथ इज 3700 एंगस्ट्रम. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टार रिलेटिव टू द अर्थ. तो देखिए, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं. इसमें गिवन डेटा क्या है और हमको क्या कैलकुलेट करना है. तो इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था. उसमें भी एक स्टार दिया गया था जो स्टार ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था. एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में, जब हमने डॉपलर इफेक्ट समझा था, एक फॉर्मूला बताया था. तो पहले हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा. तो देखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट इज डेल न्यू बाय न्यू, इट इज गिवन बाय माइनस वी रेडियल. ये फॉर्मूला होता है वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी. डेल न्यू बाय न्यू इज द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. जो वी रेडियल है ये क्या होता है, तो इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट सोर्स विच इज मूविंग और मूविंग फ्रॉम अवे और नियर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. लेकिन जब ये अवे जा रहा है तो इसकी स्पीड को पॉजिटिव लिया जाता है, और जब ये टुवर्ड्स आ रहा है ऑब्जर्वर के तो इसकी स्पीड को नेगेटिव लिया जाता है. तो इस तरह से. और सी क्या होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड एज वी ऑल नो स्पीड ऑफ लाइट सी इज गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इस फॉर्मूले में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म्स में हमको क्वेश्चन दिया गया है, और एज वेल एज हमको जो पूछा है स्पीड ऑफ स्टार रिलेटिव टू अर्थ. और ये जो स्पीड ऑफ स्टार रिलेटिव टू अर्थ है पूछा गया है, दैट मीन्स हमको वी रेडियल कैलकुलेट करना है. तो वी रेडियल तो हमको कैलकुलेट करना है. सी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सवाल उठता है, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जबकि यहाँ पर हमको यूज करना होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ का. तो इस कारण से इस फॉर्मूले को हम जरा सा चेंज करेंगे. किस प्रकार से, तो मैं यहीं पर आपको समझा सकती हूँ कि ये डेल लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा. ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, डेल न्यू बाय न्यू को डेल लैम्डा बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है. और ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है बिकॉज एज वी ऑल नो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो जो चेंज फ्रीक्वेंसी में होगा उसी तरह से चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है वेवलेंथ में. तो जब हमने इस तरह से लिखा इसको डेल लैम्डा बाय लैम्डा, तो डेल लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सिमिलरली लैम्डा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या है. तो वी हैव गिवन दैट व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इज ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ, देखिए ये वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है, जबकि ये वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ है. डेल लैम्डा कैसे निकाला जाएगा, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ माइनस रियल वेवलेंथ. यानी कि यहाँ पर हमको यदि डेल लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, डेल लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 3737 एंगस्ट्रम माइनस ओरिजिनल वेवलेंथ दिया गया है 3700 एंगस्ट्रम. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इट विल बी, आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचेगा 37, ओनली 37 बचेगा, एंड 37 इन विच यूनिट एंगस्ट्रम. यहाँ पर जो कि रेशो में है, तो यदि हम यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करें तो भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेल लैम्डा को भी यदि हम एंगस्ट्रम में रखेंगे एज वेल एज लैम्डा को भी यदि हम एंगस्ट्रम में रखेंगे, तो दोनों यूनिट्स को कन्वर्ट करके मीटर में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डेल लैम्डा को एंगस्ट्रम में रखा, और जो ये ओरिजिनल वेवलेंथ रखना है उसको भी एंगस्ट्रम में रखा. तो अदरवाइज आप बोर्ड एग्जाम्स में इसको मल्टीप्लाइड बाय -10 और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय -10⁻¹⁰ ऐसा शो कर सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम इज 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रम. शो करने के बावजूद भी आपको इनको तो कैंसिल करना ही है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वी रेडियल वैल्यू. हमको यहाँ पर जो स्टार है उसकी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्पीड कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं सी की, दैट मीन्स 3 × 10⁸. तो अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/100 यहाँ बच जाएगा, एंड दिस वी रेडियल, साइन को अभी मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, साइन केवल हमको क्या बताने वाली है,
रेस्पेक्टिव स्पीड बताएगी कि स्टार इज मूविंग अवे और स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स. तो यहाँ पर वी रेडियल यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये कैंसिलेशन के बाद क्या बच रहा है, 100 बच जाएगा. तो दिस विल बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. तो अब आप देखिए यहाँ पर v रेडियल का वैल्यू आ गया है 3 × 10⁶. एस सच जो माइनस साइन है वो इसमें लगा रहता अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो स्टार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार इज ऑब्जर्व टू हैव वेवलेंथ दिस, ये वेवलेंथ था और ओरिजिनल ये था, यानी वेवलेंथ यहाँ पर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है. और वेवलेंथ बढ़ना यानी स्टार कहाँ मूव हो रहा है, स्टार दूर मूव हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. और फ्रीक्वेंसी का कम होना भी हमको बताता है कि स्टार इज मूविंग अवे. स्टार अगर अवे मूव हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया. मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय बताया था, नेगेटिव साइन के साथ अगर चलेंगे तो स्टार अगर अवे मूव हो रहा है तो जो वी रेडियल है यहाँ पर हमको पॉजिटिव रखना होता है. तो इन दैट वे इस माइनस साइन को हम अब यहाँ पर छोड़ देंगे और केवल आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, जो स्टार है या जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी स्पीड कितनी होगी, 10⁶ मीटर, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. एंड वी कैन राइट हियर इन ब्रैकेट दैट दिस स्टार इज मूविंग अवे. स्टार इज मूविंग अवे क्योंकि वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखाई गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. चलिए इसी पर डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड ही हम एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये प्रॉब्लम भी मैंने आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में से लिया हुआ है. तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है. अ हेवनली बॉडी इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ. तो एक हेवनली बॉडी अर्थ से दूर जा रही है, रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ सच दैट फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वेवलेंथ इज 1. तो डायरेक्टली अब यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ दिया गया है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी. तो क्या क्या डेटा यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं हमारे पास जो गिवन डेटा है. तो गिवन है हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ इज गिवन एज 1. तो डेल लेमडा बाय लेमडा हमको क्या दिया गया है, दिस वैल्यू इज गिवन 1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी. जो हेवनली बॉडी है उसकी हमको स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. इसका मतलब हुआ हमको वी रेडियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो दिस इज टू बी कैलकुलेटेड एंड एज वी ऑल नो वैल्यू ऑफ सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अवर फॉर्मूला वॉज डेल लेमडा बाय लेमडा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय सी. अब यहां पर वी रेडियल का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. डेल लेमडा बाय लेमडा इज गिवन 1. तो बहुत ही इजी हो गया, डेल लेमडा बाय लेमडा यदि 1 है यानी कि दिस इज इक्वल टू 1. तो वी रेडियल का वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ तो आने वाला है, लेकिन नेगेटिव साइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे कैलकुलेशन में. हम नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हमने ऑलरेडी दोनों क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है कि जब हम नेगेटिव साइन के साथ वी रेडियल का वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो इट डिनोट्स दैट स्टार या जो लाइट सोर्स है इट इज मूविंग अवे. इन दैट केस हम इस नेगेटिव साइन के साथ इसको पॉजिटिव रखते हैं एंड इफ दैट स्टार और लाइट सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तब हम इसको नेगेटिव रखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाते हैं. तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन छोड़ सकते हैं. तो वी रेडियल अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सी के बराबर होगा, यानी कि वो जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ दिस हेवनली ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग एंड आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. तो ये भी क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो गया है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है एज वेल एज किस प्रकार से हमको साइन को डिस्क्राइब करना है या इंटरप्रेट करना है. तो आप कनेक्ट रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से. ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com. इस वेबसाइट पर आपको, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को आप फॉलो करते रहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन वीडियोज़ को आपको रिविजन के लिए फॉलो करना बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल होगा. सो स्टे कनेक्टेड. इस वेबसाइट पर आपको क्लास 4 to class 12 सभी क्लासेस के वीडियोस एंड नोट्स वेरी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक यू.